तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSCB अपडेट। तो दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आपका भी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती था, त्रुटि सुधार नहीं कर पाए थे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलती था, नाम, पिता का नाम, जो भी गलती था, तो आप लोग के लिए बिहार बोर्ड ने दे दिया आखिरी मौका। यानी कि आप लोग का जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आया, उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप मेरा गलती है दोस्तों रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो उसमें क्या किया जाए। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट का बिहार बोर्ड ने साफ साफ कह दिया एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा। वो इसमें कौन से स्टूडेंट शामिल होते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो सबसे पहले पूरा न्यूज़ जानने के लिए आपको आना है studysyllabusparveenkumar.com पे। यहाँ पे आने के बाद उसके बाद आना है न्यू अपडेट। यहाँ देख सकते हैं न्यू अपडेट मिल रहा है, यहाँ न्यू अपडेट मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो न्यू अपडेट पर क्लिक करने के बाद जो है आप लोग का जो है यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग को दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2023 परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी का एडमिट कार्ड नहीं होगा जारी। तो यहीं पे आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं, बिहार बोर्ड ने खुद कहा है। यहाँ पे पेपर आर्टिकल भी है आप लोग के लिए। यहाँ देखिए बताया गया है कि बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा फॉर्म 8 तक भरेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं 8 तारीख तक जो है आप लोग का इंटर मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म का डेट जो है बढ़ा दिया गया है। यानी कि बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक 2023 परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। जिन छात्रों ने अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरता, वे 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने पहले 25 सितंबर तक का समय दिया था। अब देखिए, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बोर्ड ने कहा है कि जिन छात्रों का पंजीयन शुल्क अभी तक जमा नहीं हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का शुल्क जमा नहीं किया गया है, उनका पंजीयन शुल्क भी 8 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है। सब कुछ 8 अक्टूबर तक। अब बात करें किसका, देख सकते हैं उसका बताया गया है कि इसके अलावा बोर्ड, यहाँ देख सकते हैं बताया गया है बिहार बोर्ड ने भेजा निर्देश। आज का ही आर्टिकल है दोस्तों, जैसा बताया जिनका पंजीयन या परीक्षा फॉर्म शुल्क जमा नहीं होगा, उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। फिर से सुन लीजिए, जिनका पंजीयन या परीक्षा फॉर्म शुल्क जमा नहीं किया जाएगा, उनका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा बोर्ड ने सभी स्कूल कॉलेज को निर्देश दिया कि अगर किसी छात्र के मूल पंजीयन कार्ड या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आप लोग का आया है, उसमें अंकित नाम यानी नेम जो है, अभिभावक का नाम, पेरेंट्स का नाम जो हो गया, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई, तो उसे ऑनलाइन सुधार कर ले। तो आप लोग ऑनलाइन, क्योंकि बाद में बोर्ड द्वारा मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये लास्ट मौका दिया गया 8 अक्टूबर तक। आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती है तो जाके सुधार करवा लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, लेकिन आप लोग रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर पूछ रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग को नीचे में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, 12th का, 10th का मॉडल पेपर मिलेगा, सेंटर एग्जाम का टाइम टेबल मिलेगा, सब कुछ यहाँ डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।